सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू अ वीडियो। सो आपको टाइटल देखकर पता लग ही गया होगा कि किस बारे में ये वीडियो होने वाली है। हमारा सैमसंग Q2 माइक, एक्चुअली उसका नाम सैमसंग Q2U था, बट मैं उसे प्यार से Q2 बोलता था, ओल्ड मेमोरीज। तो वो अब हमारे बीच में नहीं रहा, उसे मैंने रिटर्न कर दिया। अब रिटर्न क्यों करा, सारे पॉइंट्स मैंने लिखे हैं क्यों हमारा रिलेशनशिप वर्क नहीं कर पाया, तो मैं पूरी बात करूँगा इस वीडियो में। मैं हूँ अचिंत और आप देख रहे हो तकनीकी सामान। चलिए शुरू करते हैं हमारी अधूरी कहानी फीचरिंग सैमसंग Q2U। सो गाइस, सबसे पहले वो जो माइक था मैंने बहुत ही प्यार से मंगाया था, मैंने बहुत टाइम से सेविंग कर रहा था, मैंने बहुत टाइम से उसके रिव्यू देख रहा था और मैंने एकदम मन बना लिया था कि मैं माइक लूँगा तो ये लूँगा और ले भी लिया था। बट जब वो मेरे पास आया तो जो एक्सपेक्टेशंस थी वो मेरी मैच नहीं कर पाया। अब एक्सपेक्टेशंस माइनस रियलिटी इज इक्वल टू डिसअपॉइंटमेंट, जो कि बहुत ज़्यादा हो रही थी मुझे। सो सबसे पहले रीज़न की बात करते हैं। जब आपका ब्रेकअप होता है या हुआ होगा कभी, तो आपकी गर्लफ्रेंड आपसे क्या बोलती है, इट्स नॉट यू इट्स मी। सेम इन माई केस, इट्स नॉट द माइक इट्स मी, कि मैं ही उसे ढंग से यूज़ नहीं कर पाया, मुझे उसका पूरा पोटेंशियल निकालना नहीं आया। क्योंकि जब मैंने उसके रिव्यू देखे थे यूट्यूब में तो उसकी अच्छी क्वालिटी आ रही थी, जब मैंने उसे खुद यूज़ करा तो मैं वो क्वालिटी अचीव नहीं कर पाया। सो मे बी मैं ही उसे ढंग से यूज़ नहीं कर पाया, मैं ही पोस्ट एडिटिंग में अच्छी तरह नहीं कर पाया। सो मे बी वो मेरी गलती रही होगी, क्योंकि अगर आप और वीडियोज़ देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उस माइक की अच्छी क्वालिटी आ रही है तो मुझसे नहीं आ पाई। अगर आपको मेरी क्वालिटी जाननी है कि मैंने कितने अचीव की थी क्वालिटी, तो आप इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू देख सकते हो, काइंड ऑफ रिव्यू टाइप था वो। उस पर जो क्वालिटी आई उतनी ही मैं अचीव कर पाया। मैंने उसके बाद 2-3 वीडियो रिकॉर्ड करी, वो मैंने अपलोड नहीं करी यूट्यूब में, क्योंकि मैं सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था उसकी क्वालिटी से। जब तक मैं अपनी वीडियो सेटिस्फाई नहीं होता, मैं वीडियो अपलोड नहीं करता, चाहे उसके लिए मुझे वीडियो पूरी एडिट करने के बाद डिलीट भी मारनी पड़े। सो मैंने यहाँ पे 1-2 वीडियो डिलीट मार दी और यही है कि मैं उसकी क्वालिटी अचीव नहीं कर पा रहा था, सो इसलिए मैंने उसे रिटर्न कर दिया। ये था पहला रीज़न, इट्स नॉट यू इट्स मी। अब सेकंड रीज़न की बात करते हैं। अब माइक बोल रहा था कि मुझे अपने एकदम पास रखो। अब इतना कितना पास रखूँ, मैं उसे एकदम मुंह के पास रख रहा था, फिर भी उसमें जो ऑडियो लेवल थे जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था सॉफ्टवेयर के थ्रू, तो वो -18 dB जा रहे थे। अब मैं चिल्लाकर तो बात कर नहीं सकता आपके साथ हर वीडियो में, ऐसे अगर मैं चिल्लाकर बात करूँगा तो आपको लगेगा कि मैं गुस्से में हूँ, एग्रेसिव हो रहा हूँ, बट ऐसा नहीं था। मैं आराम से बोलूँगा तो वो इतनी ऑडियो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा था, एकदम मुँह के पास रखना पड़ रहा था। और मुँह के पास रखने से एक चीज़ होती है माइक में कि ये आवाज़ बहुत ज़्यादा आती है, जो कि मुझे खुद एडिटिंग के टाइम इरिटेट करती है, तो मैं नहीं चाहता कि मेरी ऑडियंस ये आवाज़ सुने मेरी। सो ये प्रॉब्लम आ रही थी। जो गेन कम था उसका, जो -18 dB था, वो मैं पोस्ट एडिटिंग में इंक्रीज कर सकता था, बट जब मैं अपने माइक को अपग्रेड कर रहा हूँ तो मैं चाहता हूँ कि वो रॉ ऑडियो ही थोड़ी अच्छी कैप्चर करे, पोस्ट एडिटिंग में मैं थोड़ा सा टच दे दूँ ताकि वो एनहेंस हो जाए, बट रॉ तो रिकॉर्ड करे अच्छी। वो बहुत ही कम रिकॉर्ड कर रहा था। ये माइक जब रिकॉर्ड करता है तो ये अराउंड -6 dB में करता है। अगर आपको नहीं पता, -1 dB सबसे हाईएस्ट लेते हैं एडिटिंग में, उसके ऊपर आ रही है ऑडियो तो वो क्लिप कर देते हैं, मतलब फटने लग पड़ती है आवाज़ -1 के ऊपर। तो अगर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस माइक से तो -6 तक रिकॉर्ड होती है। अगर मैं तेज बोलता हूँ तो -1 के आसपास पहुँच जाती है, बट उस माइक में मैं तेज बोल रहा हूँ तो -14, और मैं अगर नॉर्मल बोल रहा हूँ तो -18 dB, जो कि बहुत कम हो रही थी। तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा था एडिटिंग करते टाइम, बहुत ही कम आवाज़ थी, फिर मैं पोस्ट एडिटिंग में इंक्रीज कर रहा हूँ, सो मुझे ये चीज़ नहीं अच्छी लग रही थी। सो ये है सेकंड रीज़न कि मैंने उसे रिटर्न कर दिया, क्योंकि वो बहुत गुच्चम गुच्ची चाह रहा था, बहुत क्लोज होना चाह रहा था मेरे साथ, जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अब अपने थर्ड रीज़न की बात करते हैं। अब वो पर्टिकुलर सैमसंग Q2U का ही डिसएडवांटेज नहीं है, वो हर एक पॉडकास्ट माइक का डिसएडवांटेज है, वो डिसएडवांटेज भी नहीं बोलेंगे उसे, वो मेरे लिए था। क्योंकि आपको पता है उसमें यहाँ पे आर्म लगानी पड़ रही थी टेबल पे, फिर यहाँ पे माइक सेट करना पड़ रहा था, फिर केबल जा रही थी, वो लैपटॉप में लग रही थी, लैपटॉप में पहले ही चार्जिंग केबल है, माउस की केबल है, फिर वो कनेक्ट है मेरे DSLR से, उसकी केबल है, तो बहुत सारी केबल्स हो गई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि एक और केबल अब माइक की भी लग जाए उसमें, फिर ऑडियो चेक करने के लिए उसमें हेडफोन भी लगाओ तो उसकी केबल है, तो बहुत सारी केबल हो गई थी सेटअप में, तो मुझसे इतना क्लटर बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तो मैंने सोचा जितना कम हो सके उतना सही है मेरे लिए, मुझे पता लगे कि लैव माइक सही है, कॉलर में लगाते हैं ऐसे करके उसे लैव माइक बोलते हैं, वही माइक सही रहेगा मेरे लिए, या जो DSLR के ऊपर लगता है वो वाला माइक सही रहेगा, या शॉटगन माइक भी आते हैं, वो बहुत महंगे होते हैं, बट तो फ्यूचर में मे बी शॉटगन माइक भी ले लें, बट फिलहाल के लिए मुझे पता लग गया कि अगर मैं माइक अपग्रेड करूँगा तो या तो लैव माइक लूँगा, या जो होते हैं आपके कैमरे के ऊपर लगते हैं वो वाला माइक लूँगा। सो ये भी एक रीज़न था कि सेटअप बहुत ज़्यादा क्लटरी हो गया था और वो बार बार मुझे इंस्टॉल करना पड़ रहा था, बार बार एक एक्स्ट्रा काम हो गया था। ये जो मेरा सेटअप है ये मैं रिकॉर्डिंग के बाद एकदम साफ़ कर देता हूँ,
तो जब भी मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो मुझे पूरी लाइटिंग लगानी पड़ती है, पूरा सेटअप करना पड़ता है, तो वो एक एक्स्ट्रा काम हो गया था जो कि मेरे पूरे टाइम में एडअप हो जा रहा था। मैं चाहता हूँ मैं कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँ, बट वो एक लिमिटेशन हो रही थी, वो एक्स्ट्रा काम यहाँ पर पड़ रहा था, तो मैंने उसे इसलिए भी रिटर्न कर दिया कि सेटअप में एक तो एक्स्ट्रा तामझाम हो गया, प्लस उसे सेटअप करने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा था। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से मैंने उसे रिटर्न कर दिया। तो अब अपने नेक्स्ट सीजन पे आते हैं। अब जब से मैंने YouTube स्टार्ट किया है तब से मैंने लैब माइक ही यूज़ किया है, और जब मैंने पहली बार पॉडकास्ट वाला माइक यूज़ करा तब मुझे अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मेरे सामने एक चीज़ ऐसे हमेशा थी कॉन्स्टेंट, तो मुझे उस चीज़ की आदत नहीं थी। मे बी टाइम के साथ आदत पड़ जाती, बट वो चीज़ मुझे इरिटेट कर रही थी, और उस चीज़ ने, जैसे होता है ना आप आग में मिट्टी तेल डाल देते हो, उस चीज़ का काम करा, मतलब कैटलिस्ट का काम करा, उसने आग को और ज़्यादा भड़का दिया कि मैं ऐसे रिटर्न कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अभी ये इरिटेट भी कर रहा है सामने। सो ये भी एक रीज़न था रिटर्न करने का। फिर लास्ट में असली आग में घी का काम तो किया कमेंट सेक्शन ने। जब मैंने वो वीडियो डाली तो लोगों ने वहाँ पे कमेंट किया, 2-3 लोग थे जो कि मेरे ट्रू फॉलोअर लगते हैं, मुझे हर वीडियो में कमेंट करते हैं। उन्होंने बोला, सर या भाई बोला, आई डोंट रिमेंबर, कि आपकी क्वालिटी पहले वाले माइक में ही अच्छी आ रही है और इतना कोई डिफरेंस नहीं लग रहा है। सो यहाँ पे 2-3 कमेंट थे, तो वो भी मेरे दिमाग में एकदम घूम रहे थे बार बार। फिर मैंने अपने दोस्तों से बात करी, अपने घर में बात करी, तो उन्हें भी लगा कि इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है क्वालिटी में। सो मुझे लगा कि जब मैं 10 गुना पे कर रहा हूँ, मतलब ये 800 रुपये का माइक है, वो 8000 रुपये का माइक था, तो एटलीस्ट मुझे 5 गुना अच्छी ऑडियो क्वालिटी तो मिले, वो 5 गुना भी नहीं मिल रही थी। सो मेरे लिए उसी कॉस्ट जस्टिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था टाइम के साथ साथ। तो मेरे दिमाग में सारी बातें घूम रही थी। फिर एंड में मैंने अमेज़ॉन में रिटर्न का बटन प्रेस कर दिया। फिर अमेज़ॉन ने ऐसे रिटर्न नहीं किया, कॉल आया उनका मुझे कि भाई क्यों रिटर्न कर रहे हो। मैंने बोला भाई ये दिक्कत है, जो क्वालिटी मैं चाहता था वो नहीं मिली। उसने बोला ऐसा नहीं होता, हम इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे वापस नहीं करते। मैंने बोला प्लीज़ कर दो। फिर उसने बोला वेट, उसने कुछ देखा होगा, पता नहीं क्या देखा। उसने बोला आपके लिए बस एक बार कर रहे हैं हम ये चीज़। तो मैंने कहा भाई थैंक यू इतनी हेल्प करने के लिए मेरी, और मैंने वो रिटर्न में डाल दिया। और अगले दिन डिलीवरी बॉय आया और उसने मेरे प्यार को मुझसे छीन लिया। बहुत प्यार से मंगाया था वो मैंने माइक। अगर आपको मेरे इमोशन समझ नहीं आ रहे हैं तो आप देख सकते हो, जब मैंने अनबॉक्सिंग की थी तो मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड था, तब आपको समझ आ जाएगा कि मैं इतना ज़्यादा इमोशनल क्यों रहा हूँ उसके रिटर्न से। बहुत मुश्किल डिसीजन था। होपफुली जल्दी ही हम अपग्रेड कर देंगे। अब फ्यूचर प्लान्स की बात करते हैं कि फ्यूचर में मैं कौन सा माइक लेने की सोच रहा हूँ। अब मैंने 2 माइक सेलेक्ट किए हैं, एक तो आपका वीडियो माइक है, रोड का वीडियो माइक आता है, DSLR के ऊपर लगता है, वो तो मैं चाहूँ अभी भी ले सकता हूँ, बट मैं चाह रहा हूँ कि मैं लैब माइक ही लूँ। एक वायरलेस माइक आता है जो हर एक यूट्यूबर लेकर घूम रहा है, रोड का ही है वो, यहाँ पे लगता है आपने देखा होगा बड़ा सा माइक, हर एक यूट्यूबर आजकल लगाकर घूम रहा है, ब्लॉगर भी और सब कुछ। वो मल्टीपर्पज़ है, अगर मैं सपोज ब्लॉगिंग का मन करता है मेरा तो मैं यहाँ पे कॉल में लगा कर उसे ब्लॉगिंग कर सकता हूँ, मैं ऐसे बैठ के वीडियोज़ बना सकता हूँ, और मैं हिल दुल के भी वीडियो बना सकता हूँ। हाँ, पॉडकास्ट माइक में एक और दिक्कत थी, जब मैं वीडियोज़ बनाता हूँ तो मैं आगे होकर बोलता हूँ, पीछे होकर बोलता हूँ, ऐसे बोलता हूँ, ये मेरा स्टाइल है बोलने का। तो उसमें जब मैं पीछे हो रहा था तो ऑडियो क्वालिटी और ज़्यादा गिर जा रही थी, तो वो और ज़्यादा इरिटेट कर रही थी एडिटिंग के टाइम कि भाई इतनी अच्छी तरह से ऑडियो क्वालिटी नहीं आ रही है इसमें। तो ये भी एक रीज़न था जो मैं आपको बताना भूल गया। यही सब होता है जब आप अनप्लैंड वीडियोस बनाते हो। सो गाइस बस इतना ही था। अगर आप भी मेरी तरह उदास हो उसके जाने से तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो कि सैमसंग Q2 वी विल मिस यू, नॉट Q2U, Q2 वी विल मिस यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। जय हिंद विद सेम माइक।